चैत्र नवरात्र में भी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला ऐसा है कि जहां पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। श्री चैत्र महारानी नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों ने माता को पहनाने के लिए साड़ी बाजार से नहीं खरीदी है, उन्होंने अपने घर पर ही तैयार की है। समिति के 25 सदस्यों ने 8 दिन में डायमंड से साड़ी को तैयार किया है। यह डायमंड महाराष्ट्र के मुंबई से लाए हुए हैं। साड़ी की कीमत 25,000 रुपये बताई जा रही है। यह प्रतिमा से 2 गुना महंगी साड़ी है। लोकल 18 की टीम को समिति के कैलाश असवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2016 में मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की थी। इस बार हमने अपने घर पर ही साड़ी तैयार की है। इस साड़ी को बनाने में 25 सदस्यों ने अपना सहयोग दिया है। 8 दिन में बनकर तैयार हुई है। रोजाना 2 से 3 घंटे तक साड़ी बनाने का सभी सदस्य काम करते थे। इस साड़ी में डायमंड लेस और चमक लगाई हुई है। इस साड़ी को बनाने में हमको करीब 25,000 रुपये खर्च लगा है। यह साड़ी प्रतिमा से महंगी है। इस साड़ी को बनाने में समिति के सदस्य और उनकी पत्नियों ने भी सहयोग किया है। पहले केवल हमने सफ़ेद साड़ी खरीद कर लाई थी, उसके बाद उसकी डिजाइन करने हमने हाथों से की। अब यह साड़ी माता को पहनाई है। अब समिति के सदस्य हर साल घर पर ही हाथ से साड़ी तैयार करने का संकल्प ले लिया है। इस बार समिति ने 90वें वर्ष में माता की स्थापना की है। ये जो माता रानी का आप श्रृंगार देख रहे हैं, पूरा मुंबई से लाया हुआ है और इस बार की जो विशेष हमने साड़ी बनाई है, पूरी डायमंड की बनाई है। ये जो साड़ी है, एक एक डायमंड लगा के हमने पूरी तैयार करी है। इसको लगाने में कम से कम 8 दिन लगे हैं। पूरे समिति के सदस्य रात दिन इसमें लगे रहकर पूरी साड़ी बनाई है और ये जो साड़ी की कीमत है लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये है और जो हमने श्रृंगार किया है वो 1.25 लाख के लगभग श्रृंगार किया है पूरा। हाँ, ये साड़ी जो माता पे चढ़ी विसर्जन हो जाता है। ये समिति का 9वां साल है। 8 साल से माता रानी का इसी प्रकार श्रृंगार और कार्यक्रम किया जाता है। ये चैत्र महारानी उत्सव समिति शनि मंदिर भैरव मंदिर के पास कहलाता है।